अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशिर लुकमान है और आज ट्विटर पे भी टॉप ट्रेंड है और मेरा ख्याल है कि इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ही एक दुख की लहर है कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो उनकी खुदकुशी के हवाले से बॉलीवुड का एक बहुत उभरता बस्तारा था और बड़ा प्रॉमिसिंग एक्टर था, गुड लुकिंग पर्सन। मैंने तो उनको पहली बार देखा था आमिर खान की मूवी पीके में, उसमें उस सरफराज का रोल जब उन्होंने किया था। तो ऑब्वियसली आमिर खान की मूवी जो होती है वो एक बड़ी वाइडली वॉच मूवी होती है, उसमें हर कैरेक्टर जो होता है वो रजिस्टर हो जाता है। तो ये अनुष्का शर्मा के साथ सरफराज का रोल जो प्ले कर रहे थे, फिर महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर जो एक किस्म की बायोग्राफी उनकी बनी थी ऑडियो विजुअल, तो उसमें इन्होंने धोनी का रोल किया था। बहरहाल कहने का मतलब है कि जब आप उनका करियर देखते हैं तो बड़े थोड़े अरसे में 9 अवार्ड उन्होंने ले लिए, 12 से 14 मेजर नॉमिनेशंस थी उनकी अवार्ड्स के लिए और बड़े सक्सेसफुल बंदा। और वेस्ट बैंड्रा में उनका अपार्टमेंट था। वेस्ट बैंड्रा एक यानी एक्सपेंसिव जगह है बॉम्बे की, वहाँ पे उनका अपार्टमेंट था और 2 कोक्स और 1 धोबी उनके वो 3 बेडरूम अपार्टमेंट में साथ रहते थे और अक्सर उनके दोस्त भी आ जाते थे। अब भी ये सुबह के टाइम पे उनके जब उन्होंने सुसाइड की है तो उनका एक दोस्त रात को रहने आया हुआ था, तो 5 लोग थे उस वक्त उस अपार्टमेंट में जब उन्होंने ये सुसाइड की। तो कहते ही है कि आई विटनेसेस के लिए 10 बजे करीब वो उठे हैं, कमरे से बाहर आए हैं, उन्होंने जूस बनवाया, जूस बनवा के पिया, उसके बाद अंदर से जाके कमरा लॉक कर लिया। तो 12 बजे के करीब इन्होंने लॉकस्मिथ वगैरह को बुलाया और साथ जो और लोग थे किसी ने पुलिस को भी बुला लिया वहाँ पर। तो 12:45 के करीब जब इन्होंने उनका कमरे को एंटर किया तो वो उस वक्त तक जहाँ बाहर पहुँच गए थे। उन्होंने अपने आप को ये हैंग हिमसेल्फ। अच्छा, एक आम तासुर जो सुबह से मैं देख रहा हूँ और बड़ा एक सरप्राइजिंग तासुर है कि वो डिप्रेशन का शिकार थे और बड़े डिप्रेस हो गए। अच्छा, मुझे पता तो चले कि इस बात में डिप्रेस थे। भाई, इस बंदे ने ज़िंदगी में जिस चीज़ को हाथ डाला इसने उसमें कमाल कर दिया। जब ये इंजीनियरिंग इन्होंने की तो इंजीनियरिंग में इन्होंने टॉप किया और इंडिया में टॉप करना कोई छोटी बात नहीं है। यू नीड टू बी अ सीरियसली अ गुड स्टूडेंट फॉर दैट। तो उसके बाद फिज़िक्स में इन्होंने जो है टॉप कर लिया। फिर काफ़ी इन्होंने यानी ही वॉज अ वेरी वेरी गुड स्टूडेंट एंड वेरी ब्राइट स्टूडेंट। एंड उस बाद फिल्मों में आए और फिल्मों में आते ही उन्होंने मेजर रोल्स करने शुरू कर दिए। इतने अवार्ड्स इनको मिलना शुरू हो गए, इवन पॉपुलर अवार्ड्स मिले इसको, यानी कि जो दुनिया में बड़ा ऑनर माना जाता है कि जी लोगों ने पोल करके जिसको अवार्ड दिया तो वो एक बड़ी अचीवमेंट होती है। अच्छा, पैसे की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ फरावानी से है, आगे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं। फिर डिप्रेशन किस बात की है, तो फिर क्यों डिप्रेशन हो गई। आज मेरी 2-3 लोगों से बातें हुई, उन्होंने मुझे ये बताया कि जो माहिरीन है साइकोलॉजिस्ट वगैरह वो ये कहते हैं कि डिप्रेशन जो है ये फिजियोलॉजिकल बीमारी है, ये बेसिकली साइकोलॉजिकल होती है लेकिन ये एक स्टेज आती है कि उसमें फिजियोलॉजिकल हो जाती है एंड यू कांट हेल्प इट। और ये बड़ी खौफनाक बीमारी होती है और डिप्रेशन जिसको हो जाए उसको बस अल्लाह ही उसके ऊपर रहम करे। वो फिर बैठा बैठा सोचता है जब तो अपने ऊपर करता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि मुझे एक बात पे हैरानी हो रही है, कोई सुसाइड नहीं नोट नहीं मिला, कोई ऐसी इंडिकेटर्स नहीं मिले कि वो डिप्रेस। सिर्फ वो एक दोस्त कह रहा है या 1 धोबी कह रहा है कि जी साहब डिप्रेस थे, साहब को किसी लड़की की वजह से डिप्रेशन थी, साहब को किसी मंगनी टूटने की डिप्रेशन थी, साहब को किसी कॉन्ट्रैक्ट जाने की। कहते जी कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन है उसमें डिप्रेस हो गए। तो मेरा तो ये ख्याल है कि बॉम्बे पुलिस को इस केस को हर एंगल से एक्सप्लोर करना चाहिए और पहले तो इस बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए कि पता चलना चाहिए कि कॉज ऑफ डेथ वही है जो बताई जा रही है कि कॉज ऑफ डेथ कोई और है, ताकि हमें एक तरफ इसके ऊपर जो एक मिस्ट्री इसके ऊपर है उसको अनफोल्ड किया जा सके। और दूसरी बात यह है कि अगर डिप्रेशन है तो आज आपने और मैंने और हर देखने वाले ने ये बात देखनी है कि हम अपने आप को डिप्रेशन से कैसे दूर रखें, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। और मेरा ख्याल है कि हमें अपने स्पोर्ट ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, चाहे वो क्लास फेलोज के हों, चाहे वो फ्रेंड्स के हों, चाहे अगर वो ख्वातीन हैं वो कमेटी पार्टीज़ में जाती हैं और वो उनकी दोस्तें हैं। सारों को कोई 20-20, 15-15, 10-10 लोगों के अपने करीबी ग्रुप्स बनाने चाहिए और जिनसे हर वक्त इंटरैक्ट करें। और हमारे अंदर जो एक मॉडर्निज्म आ गया ना कि जी नहीं ये तो उसकी ज़िंदगी, तो जो उसकी मर्ज़ी करने दो, अगर वो कह रहा है आई एम नॉट फीलिंग गुड तो बस ठीक है जी, दैट्स हिज लाइफ और हर लाइफ। मेरा ख्याल है हमें भी अब थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा अपने दोस्तों के मामले में, अपने रिश्तेदारों के मामले में, अपने करीबी अजीज़ों के मामले में, कि कहीं कोई डिप्रेशन मोड में जाके, क्योंकि ये लॉकडाउन तो अभी होना है, पाकिस्तान में भी अभी स्मार्ट लॉकडाउन होने हैं, जो मर्ज़ी कोई कहे, अब इसके बगैर चारा नहीं है और ये मज़ीद होने हैं। तो हमें अपने इर्द गिर्द लोगों पर नज़र रखनी है कि कोई कोविड-19 भी हो जाए और ना भी हो, ये इस वजह से खौफ से लोग डिप्रेस ना होना शुरू हो जाए, और ये एक बड़ी एक क्रिटिकल बात होती है हमारे लिए। और कि अगर हम मदद कर सकें, मेरा ख्याल है कि अगर मैं आज अपने एक साइकोलॉजिस्ट दोस्त को मैंने कहा था भाई तुम अपनी को वेबसाइट बनाओ और से नो टू डिप्रेशन, और उसको हम इनकरेज करें लोगों को ज्वाइन करने के लिए, ताकि इफ़ एनीबडी इज़ फीलिंग डिप्रेस तो उसको पहले ही मोमेंट पे वो क्वालिटी थेरेपी जो है वो उसको मिलना शुरू हो सके जो उसको मिलना चाहिए। और जो हम लोग जिक्र नहीं करते, और हम लोग जब तक बीमारी सर से ना निकल जाए, बट सुशांत सिंह जो है इनका लॉस बहुत ही बड़ा लॉस है, एंड व्हाट अ ग्रेट लॉस, एंड उनकी फैमिली, उनके अजीज़, उनके दोस्त, उनके साथ काम करने वाले, हम उनके साथ कंडोल कर सकते हैं सिर्फ। और हम यही उनको कह सकते हैं कि ये ऊपर वाले के काम है, अल्लाह के काम है, हम क्या कर सकते हैं, there's nothing else we can do। बट जो जिंदा हैं लोग उनकी कदर करें, और अगर आपके और मेरे इर्द गिर्द लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं तो उनको हम हेल्प करें, एंड लेट्स पूल इन कलेक्टिवली। आप देख रहे हैं मुबशिर लुकमान यूट्यूब चैनल, मेरा नाम मुबशिर लुकमान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।